हेलो फ्रेंड्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में यूपीएससी ने जनरल स्टडीज से संबंधित और ऑप्शनल से संबंधित कई सारे क्वेश्चन अभी तक पूछता आया है। हम उन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस क्विक रिविजन में ले सकें। ऑप्शनल में भी इस तरह के कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइमली, तो उस तरह के क्वेश्चंस पर भी हमें फोकस रहना चाहिए। क्या क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और किस एंगल पर वो क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि ये जो रिफॉर्म मूवमेंट लाया गया था 19th century में जो रिफॉर्म मूवमेंट लाया गया था उसके बेसिकली दो तरीके के हम रिफॉर्म्स को उसमें देखते हैं। एक को हम कहते हैं रिफॉर्मिस्ट रिफॉर्म। इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि अभी तक जो चला आ रहा था, यदि वो साइंटिफिकली और लॉजिकली या अगर हम देखें ह्यूमनिज्म के ग्राउंड पर वो ट्रेडिशन सक्सेस नहीं है तो हमें उसमें चेंज करना चाहिए और हमें उसको ऑन द बेसिस ऑफ साइंस हम उसको एप्लीकेबल करना चाहिए। इस तरह के मूवमेंट हम ब्रह्म समाज की बात करेंगे, प्रार्थना समाज की बात करेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट को रखते हैं। सेकंडली, अगर हम दूसरा जो रिफॉर्म इसमें देखते हैं उसको बोलते हैं रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है कि वो रिवाइव ही रखना चाहते हैं। अभी तक जो एंशियंट ट्रेडिशन, हमारा इंडियन ट्रेडिशन चला रहा था, उनको ये था कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है ये हमारे कल्चर को रियून कर सकता है। इस तरह के रिफॉर्म मूवमेंट लेकर आते हैं हम आर्य समाज में, हम देवबंद मूवमेंट में देखते हैं। पर बेसिकली यदि हम दोनों मूवमेंट के डिफरेंस को समझते हैं तो दोनों का उद्देश्य यही था कि रिफॉर्म चाहिए, बट रिफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक हो, ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनिंग हो, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च और ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस और इन द ह्यूमनिज्म के ग्राउंड पर हो, ये इनका मकसद था। लेकिन अभी सबसे पहले इस बात को समझना यहाँ भी आपको जरूरी है, लिखना भी अपने क्वेश्चन में आपको इस तरीके से है कि आखिरकार रिफॉर्म मूवमेंट लाया क्यों गया, यानी कि वो प्रॉब्लम्स क्या थी। प्रॉब्लम आप देखिएगा सोशल एस्पेक्ट में देखते हैं तो सती प्रॉब्लम थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, चाइल्ड मैरिज थी, विडो रीमैरिज नहीं थी, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, अनटचेबिलिटी था, एजुकेशन उतनी डेवलप नहीं हुई थी, यानी कि सोसाइटी में इनलाइटमेंट अभी होना बाकी था। सोशल रूप से अभी हम बहुत कमज़ोर थे और ये एस्पेक्ट रिलीजियस से जुड़ता है क्योंकि सोसाइटी कमज़ोर होती है तो कहीं ना कहीं वो रिलीजन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, प्रभाव डालती है। और रिलीजियसली अगर हम इश्यूज़ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मूर्ति पूजा आइडोलेट्री चल रही थी, पॉलिथिज्म थे, कई सारे भगवान बहुदेववाद परंपरा थी, बहुत सारे भगवान की प्रार्थना करने का काम गया था, रिलीजियस सुपरस्टिटियस पार्ट चल रहा था, प्रिस्ट ने एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया था, अपने हिसाब से धर्म को, समाज को, हर एक चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस रिफॉर्म मूवमेंट को बल दिया, इसको आगे बढ़ाने में मदद की, इनलाइटमेंट की बात की। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार जब भारत में आई, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी जब बन के आई तो इसके पहले इंडिया में कई सारे इन्वेडर्स आए और कई सारे इन्वेडर्स का जो एस्पेक्ट था वो बाद में आकर निकलता है कि टोटलिटी वो इंडिया के ही होके रह गए, इंडिया की सॉइल में, इंडिया के कल्चर में अपने आप को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ये उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। ब्रिटिशर्स वो नहीं थे, ब्रिटिशर्स जिस जगह से आए थे वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया का रिफॉर्म हो, इंडियन सोसाइटी डेवलप हो, क्योंकि वो बेसिकली इंपीरियलिस्ट लोग थे, साम्राज्यवादी मानसिकता को लेकर आए थे। उनके पास इस बात को लेकर कहते हैं ना कि पश्चिमी देश से अगर हम आए हैं तो हमें हमारी कल्चर पे बहुत ज़्यादा, हमें हमारी जाति श्रेष्ठता पे, हमारी भाषा पर उनको बहुत ज़्यादा गर्व था और उस आधार पर उन्होंने इंडिया में रूल करना शुरू करा, जिसके कारण भारत में एक सांस्कृतिक या कहना चाहिए एक रिफॉर्म मूवमेंट की एक नई अंदर से लोगों के अंदर कहते ना डेवलपमेंट हुआ। लोगों को लगा कि यस, हमें हमारे एंशियंट को हमारे पास पे फोकस करना चाहिए। साथ ही एक और चीज़ पर देखेंगे कि जो हमारा मिडिल क्लास है, इमर्जिंग जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा था उसने सोशल बेस को तैयार करने में मदद की। वही इंटेलेक्चुअल था, वो जब बाहर से रेनेसा को सुनकर आता है, समझ कर आता है, पढ़ कर आता है, तब वो देखता है कि इंटेलेक्चुअल यूनिटी बहुत जरूरी है। और इंटेलेक्चुअल होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च। और उन्होंने इसी बात पर यहाँ पर बल देकर इस मूवमेंट को बढ़ाने में मदद की। एक और चीज़ वो देखेगा कि यदि आप पर कोई लगातार शासन करता है और एक मुट्ठी भर लोग जब आपके देश में आते हैं और आपके देश के सोशल कल्चर और पॉलिटिकल कल्चर या रिलीजियस कल्चर में इंटरफेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से वो चीज़ कहते हैं ना कि परेशान करती है, हमें बड़ी अनकॉन्शियस करती है कि हमें कॉन्शियस होना चाहिए हमारे रिलीजन को लेकर, हमारी सोसाइटी को लेकर। ये एक रीज़न और रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर आता है। रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर एक और चीज़ आती है कि 19th century में आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी,
नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का एक उफान था जिसने भारत की जितना सोशल और कल्चरल कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रभावित करना शुरू करा। और ये जो विकास डेवलपमेंट होता है ना, ये कई सारे वैल्यूज को साथ में लेकर आता, कहीं ना कहीं उस वेस्टर्न वैल्यूज को भी लेकर आया, उसके प्रभाव को भी लोगों को समझाया, वर्ल्ड सिनेरियो में क्या क्या चल रहा था वो भी लोगों को बताया। इन सब ने इनलाइटमेंट का काम किया, इन सब ने इंडियन कल्चर सोसाइटी में रिफॉर्म का काम किया। अभी जो रिफॉर्म हो रहा था ना, बेसिकली ये तीन चीजों पर आधारित था, वो था रैशनलिज्म, वो था रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, और बेसिकली इंपॉर्टेंट था जो था ह्यूमनिज्म। ठीक है, रैशनलिज्म का मतलब था कि कोई भी चीज यदि हो रही है तो उसके होने के क्या फायदे और होने के क्या नुकसान, यदि फायदे हैं और नुकसान को हम लॉजिकली तर्क आधार पर निकाल पाते तो हमें उसे एप्लीकेबल करना चाहिए। इस तरह की परंपरा को मानने वाले लोगों को यदि हम देखते हैं तो उसमें राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हमें दिखाई देता है, हमें अलीगढ़ मूवमेंट इसमें दिखाई देता है, ये रैशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर हम अक्षय कुमार दत्त की भी बात करते हैं जो रैशनलिज्म को बहुत फेवर करते थे, उनका मानना था, उन्होंने ही चाइल्ड मैरिज को लेकर उस समय सबसे इंपॉर्टेंटली पहल की थी कि चाइल्ड मैरिज जो है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए लोगों ने उनका काफ़ी विरोध किया क्योंकि चाइल्ड मैरिज इज नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ कहना चाहिए कि जो चाइल्ड मैरिज सिर्फ ऐसा नहीं था कि हिंदू रिलीजन में थी, सब रिलीजन में थी, और उन्होंने इसको बहुत कहते ना प्रैक्टिकल आंसर दिया, साइंटिफिक आंसर दिया कि आप मेडिकल ओपिनियन लीजिए, आप बड़े बड़े डॉक्टर से बात कीजिए, छोटी उम्र में शादी से हेल्थ पर कई प्रभाव आएगा, और यदि वो साइंटिफिक ओपिनियन और मेडिकल ओपिनियन सही है तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आप देखिएगा इसी तरह के और कहते हैं ना आइडियोलॉजी को डेवलप करने का काम किया, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी थी ये लोगों तक साइंटिफिकली जा रही थी, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जा रही थी। सर सैयद अहमद खान ने भी कहा कि हम चाहते हैं इस्लाम धर्म की मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करें। मॉडर्निटी मतलब ये नहीं था कि जो कुरान की टीचिंग है, इस्लाम की जो टीचिंग है ना, वो इम्यूटेबल है, वो उसको बदला जा सकता है यदि लॉजिकली और उसके अंदर प्रोग्रेसिवली थॉट्स को डेवलप करा दिया जाए, एक रीजनेबल अप्रोच उसके अंदर डेवलप की जाए तो हमें वो करना चाहिए। अब देखिएगा वही काम मैं बात करता हूँ ब्रह्म समाज की, है ना, ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय ने भी इसी चीज़ पर फोकस किया, उन्होंने इसी चीज़ पर बल दिया, उन्होंने कहा कि अगर वेद सही है और वेद में लॉजिकल चीज़ें अगर हमें दिखाई देती हैं तो हमें वेद को एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेद भी इनफेबिलिटी ऑफ वेद है। यहीं पर एक और चीज़ आपको इसके साथ एड ऑन कर देता हूँ मैं, विवेकानंद जी को लेकर। विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूँ तो विवेकानंद ने कहा कि हर रिलीजन के आपको बेसिक को समझना चाहिए, और यदि आप उस बेसिक को समझ जाते हैं और बेसिक को आप अपना साइंटिफिकली अप्लाई करना जानते हैं तो अगर आपके धर्म में वो चीज़ सही जा रही है तो आपको इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। राजा राम मोहन राय ने भी यही कहा कि यह यूनिवर्सल थीज़म होना चाहिए। यूनिवर्सल जो थीज़म का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल थीज़म का मतलब है कि भगवान तो एक ही है ना, लेकिन अलग अलग कंट्री में जाकर उनके अलग अलग नाम हो गए, और जब अलग अलग नाम हो गए तो वो वहाँ जाकर कृष्ण कहलाने लगे, यहाँ के हिंदू रिलीजन कहलाने लगे। उनका मतलब है कि ये जो यूनिवर्सल थीज़म है ना, इट रिलेट टू द नेशनलिज्म, और यही नेशनलिज्म को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, कंसेप्ट को डेवलप करने में मदद देता है। उन्होंने कहा जैसे हम वेद की बात करते हैं तो वेद ने मोनोथिज्म की बात की, इसलिए उन्होंने एक बुक भी लिखी, अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 1809 की। अगर आप यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी की भी उन्होंने बात की कि क्रिश्चियनिटी में भी यूनिटेरियनिज्म की बात की जा रही है, और यूनिटेरियनिज्म के लिए भी उन्होंने बुक लिख दी थी परसेट ऑफ जीसस। तो उनका कहना था राजा राम मोहन राय का कि ब्रह्म समाज बनाने का मकसद है कि जहाँ पर लॉजिकली जो चीज़ अच्छी है, जिस धर्म के हमको एक्सेप्ट करने का काम करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ देखते हैं रिलीजियस रिफॉर्म में, चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, अलीगढ़ मूवमेंट हो, देवबंद हो, वहावी हो, हमेतिया और हिनुमाई मध्यान सभा, पारसी के लिए रिफॉर्म मूवमेंट लाए थे, अकाली मूवमेंट था, सिख के लिए था, राधा स्वामी मूवमेंट था, ये सारे मूवमेंट इन्हीं सारी चीज़ों पर आधारित थे, और इन्हीं सारी चीज़ों में लोगों को एक मैसेज उन्होंने दिया कि यदि आप अपने धर्म को एक्सेप्ट करते हो और यदि आपका धर्म को आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को और उसको लॉजिकली रीजनिंग आप उसको अप्लाई कर सकते हैं तो वो आपका रिलीजन सही है, आपको उसको अप्लाई करना चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ से जोड़ा गया कि रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से के साथ हमें सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहिए, क्योंकि सोशल आइडियोलॉजी को यदि आप बदल देंगे तो अपने आप रिलीजियस आइडियोलॉजी भी बदल जाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि सोशल रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, सोशल के एस्पेक्ट में हम बात करें, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सोशल को लेकर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पर मैं सोशल जानने से पहले मैं यहाँ पे एक बात और आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, वो क्लियर है ह्यूमनिज्म को लेकर। ये ह्यूमनिज्म भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट था। ह्यूमनिज्म बेसिकली डील किसके साथ करता है, ह्यूमनिज्म इट डील्स विद द ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिटी। ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिटी का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमैनिटी कैन प्रोग्रेस एंड हैज प्रोग्रेस विद द मॉरल वैल्यूज, यानी कि आपको मानवता की अगर हम बात करते हैं तो ये ह्यूमैनिटेरियन जो मॉरलिटी होती है ना, वो नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान होना चाहिए।
ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिटी होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट ह्यूमैनिज्म ने दिया और ये बहुत बड़ा आधार बनता है, आइडियोलॉजिकल बेस बनता है इस रिलीजियस मूवमेंट का। ठीक है, अगर आप देखिए कि रिलीजियस मूवमेंट से पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें सोशल रिफॉर्म्स पे बात करना चाहिए, क्योंकि जब सोसाइटी सुधर जाएगी, सोसाइटी की आइडियोलॉजी सुधर जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि रिलीजन भी सुधर जाएगा। देखिए पोजीशन ऑफ वुमेन्स शुरू से हमारे यहाँ अगर लेटर विधिक से देखते हैं तो परेशानी का सबब बनी, क्यों बनी है और रिफॉर्मर्स क्या चाहते थे। रिफॉर्मर्स चाहते थे कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनको भी समानता इक्वलिटी का अधिकार है, लेकिन हमारा समाज में पर्दा सिस्टम चल रहा था, वुमेन की पोजीशन को डिक्लाइन करने का एक काम था, अर्ली मैरिज कर रही थी, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, डिवोर्स के केसेस थे, पॉलीगेमी था, फीमेल इन्फेंटिसाइज था, विडो रीमैरिज नहीं थी, सती प्रथा थी, अनइक्वल राइट्स थे, काफ़ी कुछ महिलाओं के साथ उस समय बुरा था। और इन्हीं सारी बुराइयों को जब तक समाज से दूर नहीं करेंगे रिफॉर्मर्स आकर, तब तक आप देखिएगा रिलीजियसली भी ये सब रिलेट थी, वो भी रिलीजियस रिफॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, देखिए एक इनिशिएटिव लिया गया लेजिस्लेटिव मेजर्स पे सती को लेकर, एवोल्यूशन सती बंगाल रेगुलेशन 1829 पे की गई राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स के द्वारा, और यहाँ के बाद से सती धीरे धीरे बंगाल के बाद से बाद में 1830 के बाद सब जगह लागू धीरे धीरे कर दी गई। इसी तरह से बंगाल रेगुलेशन 1795-1804 में फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेकर भी एक रेगुलेशन तैयार किया गया, इसको इलीगल बनाया गया, उसको कहा गया कि जो भी पेरेंट्स रजिस्टर कराएंगे अपनी बेबीज का, जो भी बर्थ होता है उसका वेरिफिकेशन होता है, तो उसका फीमेल चिल्ड्रन का वेरिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा, ये भी एक एस्पेक्ट दिया गया। इसके बाद एक एस्पेक्ट आता है कि विडो रिमैरिज को लेकर क्या गया, अगर हम बात करेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत फेमस नाम है, आप सबने सुना है, इन्होंने हिंदू रिलीजन में एक कहते हैं ना कि विडो रिमैरिज को लेकर बहुत मेहनत की, उस समय स्ट्रगल किया और आखिरकार 1856 में इन्होंने विडो रिमैरिज एक एक्ट पास करा दी। ये जो विडो रिमैरिज हिंदू मैरिज एक्ट था 1856 का, इसके बाद हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि विडो रिमैरिज एसोसिएशंस बनी, डी के करवे ने विडो रिमैरिज एसोसिएशन को ओपन किया 1893 में, देन अगर आप आगे और चले तो बीएम मालावारी का आप इसमें नाम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें जगन्नाथ सरकार का नाम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रुक्मणी बाई को लेकर आप इसमें आंसर दे सकते हैं, विष्णु शास्त्री पंडित को विडो रिमैरिज एसोसिएशन को लेकर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी कि विडो को लेकर जो महिलाओं की पोजीशन डिक्लाइन थी उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट करने का काम यहाँ से शुरू होने लगा। फिर इसमें आप देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए भी कई सारे एक्ट लाए गए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बताएंगे तो एज ऑफ कंसेंट लाया गया था 1891 का, ठीक है, शारदा एक्ट 1930 में लाया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट था, हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, आफ्टर अगर हम इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें कहा गया था कि गर्ल्स की मैरिज की एज 15 से बढ़ाकर 18 करनी चाहिए और बॉयज़ की 21 ले जानी चाहिए। ये स्वतंत्रता के बाद 1978 में चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए भी एक्ट लाई गई। आप देखेंगे वुमेन के एजुकेशन को लेकर भी फिर अवेयरनेस निकाली गई, रिफॉर्मर्स ने आए, चार्ल्स वुड डिस्पेज ने पहली बार 1854 में ऑफिशियली है ना ऑफिशियली वुमेन्स की एजुकेशन को लेकर एस्पेक्ट दिया था अपने इस मैग्ना कार्टा में। आप देखेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में खोला गया था, डफरिन हॉस्पिटल 1880s में वुमेन्स को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। आप इसकी बात को एक और देखेंगे, डी के करवे ने इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में सेटअप की थी। ये सारा एजुकेशन वुमेन्स के लिए जब लाया गया तो ऑब्वियसली बात है कि वुमेन की डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए था। फिर हम बात करते हैं कि वुमेन कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हम उस समय देखते हैं, सरला देवी की अगर हम बात करते हैं तो सरला देवी ने भारत स्त्री महामंडल अहिलाबाद में स्थापित किया, पहला कहते हैं मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय एनी वुमेन, तो ये बहुत बड़ी बात थी 1910 में सरला देवी का नाम। ऐसे रमाबाई रानाडे का, इनका नाम हम बिल्कुल कैसे बोल सकते, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी इन्होंने, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 बॉम्बे में ऑर्गेनाइज की। रमाबाई सरस्वती की बात करते हैं, आर्य महिला समाज की बात करते हैं, इसके बाद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजिन्स ने की थी, ऐसे हम कई सारे वुमेन्स की बात करते हैं जिन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करा, ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का उसको रन किया, रन करने के बाद वुमेन्स के अंदर नए डेवलपमेंट को क्रिएट करा, है ना। आप देखेंगे कि पूना सेवा सदन आ जाएगा जिसमें रानाडे रमाबाई ने मिलकर काम किया, ये आपको यहाँ पर इस आंसर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी हम देखते हैं, और इसी के साथ एक और चीज़ जो इस सोसाइटी में सुधारने की थी कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, आप निम्न जात के, आप ऊंची जात के हैं, इस जात को लेकर भी कई सारे जो फैक्टर्स थे जिन्होंने इस
कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को क्रिएट करा और उसको सुधारने का प्रयास उस समय में स्थितियों ने जो किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था। कि इनफैक्ट ब्रिटिश रूल में भी आप देखेंगे कि कास्ट कॉन्शियसनेस थी, उन्होंने इक्वलिटी की बात की थी, भाई कोई भी आप जाति धर्म के हो लॉ के सामने सब बराबर होंगे, ठीक है। उन्होंने सोचा, आप देखिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आए तो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन कम होने लगे, नेशनल मूवमेंट स्पेशली गांधी कैंपेन जब अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट चलाया गया तो आप देखेंगे कि कास्ट एक्सप्लॉयटेशन कम होने लगे। आप देखेंगे कि अगर जितना भी लोअर कास्ट में भी जब एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, ज्योतिबा फुले ने जब कहते ना इस अपनी बुक गुलामगिरी में छत्रसाल समाज की जब स्थापना करते हैं 1873 में, तो उन्होंने भी ब्राह्मणों के अत्याचार से दलितों को मुक्त कराने के लिए भी, क्योंकि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन थी हिंदू सोसाइटी में और उसके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोअर कास्ट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो बाबा साहब अंबेडकर का आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद बचपन में बहुत कुछ झेला। फाइनली उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करते हैं। ऐसे आप कहते ना रामास्वामी नायकर का आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। आपको मैं कई सारे मूवमेंट्स के नाम यहाँ दे रहा हूँ जिनको आप अपने आंसर में इंट्रोड्यूस करते थे। उन्होंने रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफरेंस क्लासेस को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, नारायण गुरु ने कहा था कि भाई वन रिलीजन वन कास्ट और वन गॉड फॉर मैनकाइंड होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के शिष्य ने कहा कि नहीं नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर द मैनकाइंड होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने भी इसके बाद बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में एस्टेब्लिश करते हैं। ये सारे इंडिकेट ये कर रहे थे कि ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चला आ रहा था, ये जो कहना चाहिए कि पैटर्न था कि यदि सोसाइटी में हम चेंजेस लाते हैं तो आप देखेंगे कि सोसाइटी में अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप कहते ना कि इम्प्रोवाइज करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को बेहतर कर सकते हैं। आप इसी में और अगर आप देखेंगे लोअर कास्ट मूवमेंट में तो आप एजुवा जो है नारायण गुरु का वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, नायर मूवमेंट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आप जस्टिस मूवमेंट को यहाँ पे मेंशन करते थे जिससे रामास्वामी नायकर जुड़ते हैं, ये सारे मूवमेंट आप यहाँ पर ला सकते हैं। अगर आप महिलाओं के में बात करते हैं तो आप देखिएगा कि तरुण स्त्री सभा को आप वहाँ पे मेंशन करिएगा, है ना, जेईटी बैटन जिन्होंने एक बालिका विद्यालय कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया वो आपको वहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। और जितने भी रिलीजियस रिफॉर्म में या चाहे सिख सुधार की मैंने बात की, पारसी मूवमेंट की बात की, अहमदिया की बात की, एहरार मूवमेंट की बात की मैंने, है ना, देवबंद आंदोलन, वनौदी गंगोही, आपको उनको सबको मेंशन करना है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों का आप सोचिए लिख देते हैं तो आप देखिएगा आपका मेंस के लिए जो क्वेश्चन हमने लिए थे वो दोनों आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल बराबरी से, आप इसके सबके आंसर बराबरी से यहाँ पर दे सकते हैं। प्री और मेंस में दोनों में चीज़ें आपको यहाँ पर इफेक्टिवली बहुत बेहतर काम करेगी। सो थैंक यू एवरी वन।